नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके जूनियर 30 पर। आइए हम डायरेक्शन टेस्ट के पहले पार्ट को पढ़ते हैं, टाइप वन को पढ़ते हैं, जो कि आपको सीखने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। और ये क्या कर रहा है कि पहला मेथड एकदम नॉर्मल, जो आप कभी नहीं पढ़े हैं डायरेक्शन टेस्ट, बहुत हार्ड लगता है, तो भी आप इसको देख के सीख सकते हैं। आइए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन टेस्ट बनाने से पहले क्या चीज़ करना चाहिए, हम उस चीज़ को बताएंगे। तो आप सबसे पहले इस फोर डायरेक्शन को ज़रूर रटें। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये पश्चिम हो गया। इसको अगर इंग्लिश में देखते हैं तो ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया साउथ। यही फोर डायरेक्शन से ही सारा रीजनिंग डायरेक्शन टेस्ट का बनेगा। अब इसके मिडिल वाले में फोर डायरेक्शन होता है, इधर भी आप फोर डायरेक्शन देखते हैं। क्या करना है, इसको क्या नाम देना है, तो कैसे नाम देंगे इसका नाम, तो पूरब और दक्षिण बोल सकते हैं, दक्षिण पूरब बोल सकते हैं, या ईस्ट और साउथ बोल सकते हैं, साउथ ईस्ट बोल सकते हैं, दोनों चलेगा। उसी टाइप का यहाँ बोल सकते हैं, उसी टाइप का यहाँ और इधर, इधर भी डब्लू और ये वेस्ट और साउथ बोल सकते हैं या दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं। ये फोर डायरेक्शन और ये फोर डायरेक्शन, दोनों एट डायरेक्शन अगर याद रखते हैं हमें, तो रीजनिंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। टोटल जितना भी डायरेक्शन टेस्ट में आएगा उसका बेसिक यहीं पर टिका हुआ रहेगा। इसी को आपको कॉन्सेप्ट करना है, इसी को आपको समझना है। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। मीना उत्तर की ओर जा रही है, मान लीजिए इस पॉइंट से मीना चलना चालू की और ये उत्तर की ओर जा रही है, तो उत्तर मतलब क्या हुआ, ऊपर की ओर जा रही है, यही हुआ उत्तर। उत्तर की ओर जा रही है मीना, किधर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है। वह तीन बार दाएं मुड़ती है। अब आप सोचिए, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका राइट हैंड किधर होगा, इधर होगा, इधर मुड़ गई, एक बार हुआ, फिर इधर मुड़ गई, दो बार मुड़ी, फिर दायां मुड़ेगा। आप सोचिए ऐसे जा रहे हैं तो दायां हाथ कौन साइड होगा, फिर इधर मुड़ गई और क्या हुआ, चलना स्टार्ट की, फिर तीन बार मुड़ गई, तीन बार मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर बायां मुड़ती है। मान लीजिए इस इधर से चल रही है, इधर बायां मुड़ेगी तो इधर आ जाएगी, तो इधर जा रही थी, तीसरा बार में बायां मुड़ेगी तो वो कौन दिशा की ओर, अब वह किस दिशा में जा रही है, ये डायरेक्शन आपको बताना है। मान लीजिए ये पॉइंट से, हमेशा इस पॉइंट से ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा, इसी का जवाब देना है। ये डायरेक्शन क्या कहलाता है, तो दक्षिण कहलाता है। मेरा आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। इस तरह से आप एकदम क्लियर हो के एकदम साधारण भाषा में यहाँ पर सीख सकते हैं। अगर आप चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए। आइए हम इसी टाइप के दूसरे सवाल को देखते हैं कि जो कि बेहद, आइए हम उसके बाद वाले सवाल को देखते हैं। राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, वह दो बार बाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है, अब उसका चेहरा किस दिशा में है, जस्ट वही पैटर्न पर बनेगा। क्या कह रहा है, राजीव दक्षिण की ओर जा रहा है, जैसे ये दक्षिण की दिशा की ओर हुआ, मान लीजिए फोर डायरेक्शन, फिर इसी पर बनाएंगे उत्तर दक्षिण, तो हम इस बिंदु से चलाना चालू करेंगे, इस बिंदु पर, इसी बिंदु से चलाना चालू किए। अब क्या कह रहा है, दक्षिण की दिशा की ओर जा रहा है, वह बाईं ओर मुड़ता है। अब आप सोचिए उस दिशा में जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड किधर रहेगा, तो लेफ्ट इधर रहेगा, तो इधर मुड़ जाता है ये। फिर क्या कह रहा है, दो बार बाईं ओर मुड़ता है, दो बार मुड़ता है बाईं ओर, तो दो बार, एक बार और बायां हाथ किधर रहेगा, तो इधर रहेगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, फिर लेफ्ट मुड़ गया। कितना किलोमीटर मुड़ना है, कितना मीटर मुड़ना है, ये अभी नहीं ध्यान देना है। अब क्या कह रहा है, और फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब आप सोचिए इस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, इसका राइट हैंड आपका किधर होगा, यानी दाईं मुड़ना है, यानी राइट हैंड इधर रहेगा, तो फिर दाईं ओर मुड़ता है, अब उसका चेहरा किस दिशा में है, इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, तो इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, इधर से इधर जा रहा है तो ईस्ट कहते हैं, यानी पूरब कहते हैं, पूरब आंसर हमारा हो जाएगा। इस टाइप से आप बहुत सारे सवाल को आसानी से बना सकते। आइए उसी टाइप के सवाल को देखते हैं जिसमें कि अबरी बार
डिस्टेंस भी दिया हुआ मिलेगा, डिस्टेंस भी रहेगा। आपको इमेजिंग करना है कि 5 किलोमीटर और 15 किलोमीटर में क्या इमेजिंग करें, कैसे लें, ये सीखना है। सबसे पहले क्या है, अमित पूरब दिशा में 15 किलोमीटर गया, मान लीजिए यहाँ से अमित चला, पूरब किधर है, तो ये 4 डायरेक्शन हमेशा ईस्ट इधर बताता है, यानी पूरब है ना, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये डायरेक्शन से ही यहाँ से अमित चलना चालू हुआ पूरब दिशा में, तो वही पॉइंट को मानेंगे हम। अब पूरब दिशा में चलना चालू किया, 15 किलोमीटर चला, मान लीजिए 15 किलोमीटर थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, 15 किलोमीटर चला, KM ही रहेगा, सब जगह KM रहेगा, अगर मीटर रहेगा तो सब जगह मीटर रहेगा, तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। अब 15 किलोमीटर चला पूरब दिशा में, अब क्या कह रहा है, दिशा में गया 15 किलोमीटर, तब हुआ बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, अब ये डायरेक्शन में जा रहा है, सोचिए आप जा रहे हैं, आपका लेफ्ट हैंड किधर रहेगा, ऊपर की ओर 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर 15 की तुलना में निश्चित है कि तिहाई भाग होगा, बहुत ही कम होगा, 5 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा, अब इसका लेफ्ट हैंड किधर रहेगा, फिर इधर चला और फिर से 15 किलोमीटर चला, अगर ये 15 लिए हैं, ये भी 15 होगा, तो निश्चित है कि इसके बराबर ही लेना चाहिए। तो चला अमित, अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, अमित यहाँ पर है, आप सोचिए प्रारंभिक स्थान से ये डिस्टेंस क्या होगा। हमेशा डायरेक्शन टेस्ट में एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, हमेशा छोटे से छोटे दूरी को बताना है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही बताना है, वही आपका आंसर होगा। हम ऐसा नहीं है अमित के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ गया 15 और 5 ऐसा करके नहीं बता सकते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बताएंगे, यही वाला हमको पूछा जा रहा है, यानी 5 km। कैसे 5 km हुआ आंसर, तो ये वाला 5 है, तो निश्चित है कि ये वाला भी 5 होगा। इसीलिए जब भी डिस्टेंस दिया हुआ रहे तो एक लेवल में आपको लेना है डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि कहीं पर हम 5 इतना ले लिए, फिर 10 लेने बोला तो 10 भी इतने छोटा ले लिए, ऐसा नहीं ले सकते हैं। आपको 10 निश्चित है कि 5 का डबल है, तो आकृति में भी दिखना चाहिए, लाइनिंग में भी दिखना चाहिए, ये 15 है तो ये 15। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर वो आ गया है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, यहीं से वो चलना स्टार्ट किया था, तो ये डिस्टेंस कितना है, तो 5 km हमारा आंसर होगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन में है। इस टाइप से डायरेक्शन टेस्ट के टाइप 2 में फिर मिलेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे वीडियो में, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मिलते हैं, धन्यवाद।